నవజాత శిశువు ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఈ ఘటన యాకత్పుర పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో చోటు చేసుకుంది. నిన్న అర్ధరాత్రి 2:30 గంటల సమయంలో ఈ ఘటన జరిగిందని బాధితులు తెలిపారు. मैं ये नाज हॉस्पिटल याकूतपुरे को मेरी बच्ची को डिलीवरी को लई 9 महीने पूरा ट्रीटमेंट यहीं छुआ. अब डॉक्टर नाज क्या बोले, मैं आपके हाथ पे करना डिलीवरी बोल के नाज मैडम को बोली मैं. तो नाज मैडम क्या करे, बच्ची को पेंस हो रहे हैं सो देख के भी मेरे को दूसरी ड्यूटी है मेरे को बोल के चले गए. मैं दूसरी डॉक्टर को भेजती हूँ बोल के. वो दूसरी डॉक्टर कोई नहीं थे, उन्होंने नर्स है, उनको डिलीवरी करना नहीं आया. उनका नाम अनीस है, अनीस है और वो ट्रेनिंग की बच्ची है, एक नेहा नाम है वो बच्ची का. ये दोनों मिलके मेरी बच्ची की डिलीवरी करे और वो बच्चे को मार दिए. डिलीवरी होने के बाद मेरा बच्चा, मेरा नवासा, मेरी बच्ची का बच्चा नवासा मेरा मर गया, पूरा उदा उदा हो गया. क्या हुआ बोल के बोले तो बिल्कुल नहीं बोले. कोई बच्चों का डॉक्टर नहीं, कोई बच्चों का डॉक्टर नहीं है. डॉक्टर बच्चों के डॉक्टर को फ़ोन करो बोले तो नाज के मियाँ को, नाज जो नबीला नाज के जो शोहर है, उन्हों बच्चों के डॉक्टर है बोल के बोले. मगर उनको फ़ोन करे तो बच्चा पूरा मर गया. बच्चा मरे बाद उन्हों 1 घंटे के बाद आए, बच्चा पूरा ब्लू हो गया, उदा हो गया, बच्चा पूरा अकड़ गया था. तो ये ऐसा मेरे को फैसला होना, इसका इंसाफ होना मेरे को. मेरी बच्ची ऐसा दुनिया की, मेरी बच्ची बीमार है अभी, उसमें दुनिया की तकलीफ है. वो अनीस जो है ना, उन्हों ज़रा भी इलाज नहीं करे मेरी बच्ची का, पेट साफ नहीं करे उन्हों, ना कोई सफाई करे. मेरी बच्ची को चीर फाड़ कर दिए उन्हों, पूरा आला डाल के. जो जी सुबह में 8 बजे आई मैं, बच्ची को दर्द हो रहे थे, 8 बजे सुबह में शरीक हुई मैं आके. तो उन्होंने 9 बजे आए नबीला नाज आके, उन्होंने बोले नहीं नहीं मेरे को ड्यूटी है, मैं चले आती हूँ, मैं दूसरी डॉक्टर को भेजती हूँ. तो हम कोई दूसरी अच्छी डॉक्टर होंगी समझे, वो कोई दूसरी डॉक्टर नहीं थी, उन्हें नर्स भी नहीं है. उन्हें कर दी बड़े बच्चे का वाटोला. मेरे को इसका इंसाफ होना और ये दवाखाना सीस हो जाना, बंद हो जाना, कोई दूसरों के साथ ऐसा नहीं होना. हमारे को इसका इंसाफ होना. बच्चों को दवाखाने में अभी डिपॉजिट करके उस्मानिया में, अभी अभी बच्चे को डिपॉजिट करके आए उस्मानिया दवाखाने में. रात के 3 बज रहे, हम जो सुबह में 8 बजे यहाँ आके शरीक हुए, 11:30 को बच्ची की डिलीवरी हुई, 11:30-12 बजे से हम जो दवाखानों को फिरे, तो आज तक भी अभी तक भी दवाखानों में फिर के आए, बच्चे को उस्मानिया में डिपॉजिट करा. आपको कब पता लगा कि बच्चे गए थे यहाँ ऐसा होगा? सुबह में 11:30 को, 11:30 को बच्चे का इंतकाल हो गया. कंप्लेंट करें, कंप्लेंट करें, हम पुलिस कंप्लेंट करें. सुनने में आ रहा है कि बच्चे से आप लोगों को मिलने के लिए काफी देर करा, बहुत देर करे, बहुत हमारे दिखाए नहीं, बताए नहीं. के बाद हाफ एन आवर तक सिर्फ बच्चे को टैप करते रहे, कोई पीडियाट्रिक नहीं है, पीडियाट्रिक को बुलाओ बोलते सिर्फ आरे 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 बस इतना ही बोल रहे थे. पूरा बच्चा ब्लू होने के बाद में से जब बोल रहे, हम लोग रेफरेंस दे रहे हैं आप लोगों को, वहाँ पर जाइए आप लोग, कहाँ दुरेश्वर, दुरेश्वर को गए तो दुरेश्वर वाले बोल रहे कि आप लोग रेनबो या होप पे जाइए, हम ये बच्चे को नया अपॉइंट कर सकते. तो फिर होप पे गए तो होप पे यहाँ के डॉक्टर कलीमुद्दीन पीडियाट्रिक उन्होंने कुछ बोल दिया वहाँ पर, उन्होंने बोल रहे हम नहीं करते, नीलोफर को लेके जाइए, नीलोफर में टेक्नोलॉजी फास्ट है, वहाँ पर आपका बच्चा बचता. नीलोफर में गए तो नीलोफर वाले बोल रहे कि ये बच्चा ऑलमोस्ट डेथ है, या हम लोग वेंटिलेटर डाल के देखते हैं, बोले वेंटिलेटर पर रखे. अब रात में 3 बजे बच्चे की डेथ हो गई, बच्चा कोमा में हो गया था, पैदा होते बच्चा कोमा में चले गया, कोमा के 3rd स्टेज पे बच्चा पहुंच गया था, पूरा ब्लड निकल रहा बच्चे के मुंह में से, पूरा उसके इन्फेक्शन हो गया बच्चे को, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी, पूरा डैमेज हो गया, बच्चा खुद भी पूरा डैमेज हो गया पूरे उसके. पेशेंट मेरी बच्ची बहुत तकलीफ में है अभी भी, बच्ची को चीर फाड़ कर दिए, बच्ची को भी कोई सही